टूडे वी विल स्टार्ट चैप्टर टू बैंकिंग फ्रॉम सलीना कंसाइस फोर क्लास टेंथ अब बैंकिंग के अंदर बच्चे बहुत कुछ है सेविंग अकाउंट पीपीएफ अकाउंट पब्लिक प्रोविडेंट फंड लोन अकाउंट आ जाता है बच्चे अब कोई स्मॉल सेविंग्स वाला है जैसे तो उसके लिए एक आरडी अकाउंट रियकरिंग डिपॉजिट अकाउंट आरडी अकाउंट को क्या बोलते हैं रियकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इसमें हम मंथली सेविंग कर सकते हैं मतलब जो हमारी इंस्टॉलमेंट है वो मंथली डिपॉजिट होगी मंथली मतलब आफ्टर सपोज हमने थाउजेंड uh, रुपी का आरडी अकाउंट ओपन कर लिया मतलब सेकेंड या फर्स्ट डेट ऑफ एवरी मंथ थाउजेंड रुपी उसमें सेव होते रहेंगे समझे बच्चे दिस इज आर डी जो हमने यहां पे करना है तो आरडी अकाउंट के रिगार्डिंग करना है सारा कुछ आर डी अकाउंट के साथ रिलेटेड है इंटरेस्ट इसमें जो इंटरेस्ट का फॉर्मूला है दैट इज पी इंटू एन इंटू एन प्लस वन इंटू आर अपॉन टू इंटू ट्वेल्व इंटू हंड्रेड दिस इज अब यहां पे हमें सारी टर्म्स पता होनी चाहिए कि पी क्या है N क्या है आर क्या है पी इज द मंथली इंस्टॉलमेंट पी क्या है यहां पे मंथली इंस्टॉलमेंट नॉट द टोटल प्रिंसिपल ओनली मंथली इंस्टॉलमेंट इज इज दिस वन अ नंबर ऑफ एन इज अ टाइम बट इन मंथ्स इन मंथ्स कितने मंथ अगर ईयर में गिवन है तो उसको ट्वेल्व से मल्टीप्लाई करके किसमें चेंज कर लेंगे हम मंथ्स में चेंज कर लेंगे आर आर इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट आर क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर इंटरेस्ट उसके बाद आए थे पूछे मेच्योरिटी वैल्यू मेच्योरिटी वैल्यू का मतलब हमने थाउजेंड रुपी मान लो डिपोजिट uh, किया फॉर ट्वेंटी फोर मंथ्स एंड ट्वेंटी फोर मंथस मतलब इच मंथ हमारा हमारी जेब में से थाउजेंड रुपीज थाउजेंड रुपी डिपोजिट हो रहा है ट्वेंटी फोर मंथ तो हमने टोटल अपनी जेब में से कितना दिया दी इन टू एन ना ठीक है बदमिनी मतलब थाउजेंड इंटू ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर थाउजेंड हमारी जेब में से गया प्लस इंटरेस्ट आफ्टर ट्वेंटी फोर मंथ हमें कितनी वैल्यू मिलेगी कितनी अमाउंट मिलेगी दैट इज द टोटल जो हमने डिपोजिट करवाया था प्लस इंटरेस्ट तो ये मेच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला है Understood? Okay, sir. Yes, sir. बस इसी के बेस पे सारा चैप्टर है. एक्सरसाइज टू फर्स्ट सम अब जो सेम टाइप के सम्स होंगे तुम खुद ट्राई करोगे ठीक है मैं एक एक सम करवाऊंगा बच्चे मैं नहीं करवाऊंगा तुम ही करवाओगे साहिल साहिल भवानी जी बोलना पड़ेगा आपको यस सर हाँ बोलना है चुप नहीं रहना ठीक है यस सर मनीष ओपन यिंग डिपॉजिट अकाउंट विद द बैंक ऑफ राजस्थान एंड डिपॉजिट रुपीज सिक्स हंड्रेड पर मंथ फॉर ट्वेंटी मंथ्स

Calculate the maturity value of this account if the bank pay interest at the rate of 10% per annum. R is 10% per annum. 10%. They asked to calculate the maturity value. अगर हमने सीधा maturity value का formula लगाना है वो भी ठीक है. Otherwise interest पहले calculate करो उसके बाद. Yes Sahil interest का formula बच्चे? P into R into T by 100. नहीं बेटा. आर डी अकाउंट है ये अभी मैंने अभी फॉर्मूला बताया था ना साहिल yes, sir. अभी फॉर्मूला बताया था ना आपको ये वाला ये याद रखना थीक है ठीक है ठीक है सर पी इंटू एन इंटू प्लस वन इंटू आर अपॉन टू इंटू ट्वेल्व इंटू हंड्रेड सिक्स हंड्रेड एन ट्वेंटी इन टू ट्वेंटी प्लस वन ट्वेंटी अपॉन ये सारी वैल्यूज बेटा जीरो तो सिक्स वन सबको हाँ सर टू से यहां पे टेन आ गया यहां पे फाइव आ गया ट्वेंटी वन फाइव सा वन हंड्रेड फाइव और एक जीरो इंटरेस्ट बट यू द मैच्योरिटी वैल्यू अभी मैच्योरिटी वैल्यू का भी फॉर्मूला बताया था क्या बताया था अंकित मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला सो पी इन टू एन प्लस आई पी इन एन प्लस आई प्रिंसिपल सिक्स हंड्रेड ये रहा देखो एन ये रहा बच्चे ट्वेंटी प्लस इंटरेस्ट दिस वन वी हैव कैलकुलेटेड पहले मल्टीप्लाई बोर्ड मास रूल सिक्स टू दउजेंड प्लस वन जीरो फाइव जीरो एट दीज टू जीरो फाइव जीरो थ्री वन रुपी दिस वन दैट इज द मेच्योरिटी वैल्यू ये बताओ इस क्वेश्चन में कुछ है नथिंग फॉर्मूला है उसमें वैल्यू फिल की कैलकुलेशन की एंड गेट द आंसर इज इट ओके किसी को डाउट इसमें कोई no, sir. No, sir. No, sir. सर जी नो सर रौनस विहान यशवीर कोई no, sir. है ना बेटा ओके नो नो सर सर नाउ

एन इज फोर एंड हाफ हाफ को ओपन करेंगे ना फोर टू नाइन बाय टू ईयर थे ना वन ईयर में ट्वेल्व मंथ होते वैल्यू ऑफ एन एन आगे बच्चे फाइन द मेचोर बैंक पे इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 2% फॉर सर आई इज बस 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 अपने आप करोगे फर्स्ट टर्म की तरह सेम है अब okay, किसी को कोई डाउट है बेटा नहीं कर सकता कोई बता दो पद्मिनी हो जाएगा यस सर विहान रौनक हो जाएगा सर जसवीर हो जाएगा सर ओके okay. सर नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, सर ध्यान से सुनो तो सही सर नहीं हो पाएगा सर बैठता से जाऊं, हैं, चलिए जा जा जा, थैंक यू सर बाय सर आना मत आगे से, ओ oh, सर ऐसे क्यों बोल रहे हो सर, और चलिए यार बेटा मजाक कर रहा हूँ

वही सेम क्वेश्चन है दो क्वेश्चन अलग अलग दे दिए ए फॉर ए परसेंट एंड फॉर बी परसेंट। इसके लिए प्रिंसिपल रुपी ट्वेल्व हंड्रेड पर मंथ फॉर थ्री ईयर थ्री इंटू ट्वेल्व थर्टी सिक्स मंथ देखो एन की वैल्यू मंथ में होनी कंपल्सरी है रेट टेन परसेंट इसकी मेच्योरिटी वैल्यू निकल जाएगी बच्चे बोलो ये सेम प्रिंसिपल इज रुप्रेड एंड टाइम इज टू एंड टू इन थर्टी मंथ रेट ऑफ इंटरेस्ट सीम इसका भी मेच्योरिटी वैल्यू निकल जाएगा बच्चे yes, yes, जिसकी मेच्योरिटी वैल्यू हुई ज्यादा हुई वो लिख देंगे कि अमाउंट ए गेट मोर अमाउंट और बी गेट मोर अमाउंट बाई हाउ मच माइनस करके बिगर अमाउंट में से स्मॉलर अमाउंट माइनस हो जाएगी समझे फोर्थ yes, कर लोगे ना अगर किसी को पीछे कुछ डाउट है ना तभी पूछ लिया करो ओके okay? वैसे तो इंटेलिजेंट हो सारे कर लोगे ये इसमें कोई ज्यादा वो प्रॉब्लम नहीं है सिंपल कैलकुलेशन ही है जैसे फर्स्ट हमने फॉर्मूला क्या है वैल्यू का ये क्या किया था हमने फर्स्ट सम son... क्या किया था साहिल p into n into n plus one ये किसका इंटरेस्ट फिर मैच्योरिटी वैल्यू का उसके बाद yes p into n plus i समझे फॉर्मूला yes लगा रहे हैं बेटा हम फर्स्ट सम में भी सेकंड में भी थर्ड में भी दोनों के लिए मैं छोटी वैल्यू कैसे निकलेगी पहले इंटरेस्ट निकाल लेंगे दोनों का फिर दोनों में पी इन टू एन एड कर देंगे ओके okay? yes, अभी और कौन चला गया चलो नाउ द फोर्थ सम बच्चे डिपॉजिट अ सर्टेन सम ऑफ मनी एवरी मंथ इन ए रियकरिंग डिपॉजिट अकाउंट फॉर ए पीरियड ऑफ ट्वेल्व मंथ उंट सर्टन, सर्टन सम ऑफ मनी एवरी मंथ मतलब प्रिंसिपल हमें नहीं पता फॉर ए पीरियड ऑफ ट्वेल्व मंथ एन की वैल्यू ट्वेल्व मंथ है बैंक पे इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ इलेवन परसेंट पर एन एम आर की वैल्यू हमें गिवन है इलेवन परसेंट पर एन एम आशीष गेट रुपीट दिस ऑन मेच्योरिटी मेचोरिटी वैल्यू हमें गिवन है रुपी वन टू सम ऑफ मनी डिड ही पे एवरी मंथ मतलब प्रिंसिपल हमने फाइंड करना है लेट मंथली इंस्टॉलमेंट भी रुपी एक्स लेट कर ले बेटा ज्यादा इजी रहेगा पद्मिनी करवाओ मुझे मेच्योरिटी वैल्यू के नीचे उसका फॉर्मूला बोलो क्या लिखू P इन टू प्लस आई yes very good principal is x, x. n is 12, 12. months interest come formula bolo padmini p into n into n plus 1 into r by 12 into 2 into 100 इज़ इक्वल टू टू वन वन फाइव देखो हमने क्या किया बच्चे मोहित चलो प्रिंसिपल एक्स एन आर टोरिटी वैल्यू मेच्योरिटी वैल्यू के नीचे उसका फॉर्मूला लिख लिया पी इन टू एन प्लस आई इज दिस वन पी इन टू एन प्रिंसिपल एक्स इंटू एन ट जगह उसका फॉर्मूला लिख दिया

ऐसे रहने देंगे ट्वेल्व एक्स एज लाइक इसके नीचे कुछ नहीं है तो वन डाल दो क्योंकि तो कई बार ना कंफ्यूजन में ये सारी लाइन इसके नीचे चली जाती है मल्टीप्लाई करो एक सेकेंड बेटा थर्टीन इंटू इलेवन वन फोर्टी थ्री एक्स अपॉन हंड्रेड इंटू टू टू हंड्रेड इज वन टू सेवन वन फाइव कितना आ गया टू हंड्रेड इज एलसीएम वन को किससे करें टू हंड्रेड टू हंड्रेड इंटू ट्वेल्व ट्वेंटी फोर हंड्रेड एट दिस टू थ्री फोर फाइव टू फाइव फोर थ्री एक्स किसके इक्वल वन टू सेवन वन फाइव अपॉन टू हंड्रेड भी था वन टू सेवन वन फाइव अब एक्स फाइंड करना है वन टू सेवन वन फाइव 200 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड 2543 नीचे आ जाएगा मोस्टली ज्यादातर जाएग तो ये कट जाती हैं अगर कट नहीं होगा तो डेसिमल में आ जाएगा वैसे ये कट कट होगा कितने पे आई थिंक सो 5 पे 5 2543 को 5 से मल्टीप्लाई करके देख लो यही आएगा इसलिए मतलब 1 यहां 5 x 200 into five, रुपी ₹1000

इंटरचेंज हो गया है सर पता नहीं क्यों कैसे ऐसे कैसे प्रिंसिपल सिक्स फोर्टी इंटू फिफ्टी फोर इंटू फिफ्टी फाइव अपॉन टू इंटू टू हंड्रेड सर नाइन फाइव जीरो फोर इसका एक सेकेंड, एक सेकेंड सेकेंड अभी चेक करते हैं जीरो से जीरो कट कर, कर दिया टू से थर्टी टू यहाँ पे इलेवन आ गया यहाँ पे टू आ गया टू से सिक्सटीन आ गया

64 को 54 से कर लो, कैरी कैरी प्लस अच्छा सर मैंने एम uh, की वैल्यू निकालते समय पी की वैल्यू ही गलत लिख दी सिक्स फिफ्टी लिख दी मैंने इसलिए गलत आ रहा है। <laughs> ऐसे पैसे नहीं बढ़े बढ़ेंगे चलो कोई बात हो जाती है कॉमन मिस्टेक्स हैं इसमें कोई हमारी गलती नहीं होती वैसी बाई चांस वाली मिस्टेक्स हैं ये ये समझ आ गया बच्चे फोर्थ सम यशवीर यस सर ओके बच्चे अह मेरे को लगता है मोस्टली सर तुम सारे फर्स्ट टाइम कर रहे हो है ना yes. नहीं सर दूसरी बार है सर अच्छा दूसरी कोई बात नहीं जिसका दूसरी बारी है वो चेक कर लेंगे ठीक कोई बात नहीं हां और जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं बेटा ये सारे सम्स कंप्लीट करने हैं साहिल अगर मैथ को सीखना है ना तो काम करना पड़ेगा बच्चे साहिल डेली yes, काम डेली ठीक है मैथ में तो कुछ नहीं है वैसे करना शुरू कर दोगे ना आना शुरू हो जाएगा अगर मैथ आ गया तो ये समझ लो सारा कुछ आ गया फिफ्थ सम ये मैं नहीं करवाऊंगा ये अपने आप करोगे डिपोजिट अकाउंट इन ए बैंक फॉर थ्री एंड हाफ इन एन की वैल्यू निकल जाएगी इन टू ट्वेल्व कर देंगे

फॉर फोर इयर एन एज फोर ईयर फोर इन टू ट्वेल्व मेच्योरिटी वैल्यू हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने फाइन करना है और मेच्योरिटी वैल्यू कितनी की बने एट जीरो नाइन टू मेच्योरिटी वैल्यू के नीचे वही सेम उसका फॉर्मूला क्या आएगा जयंती सर टी टू एन प्लस आए प्लस आए एट जीरोन टू इंटू ट्वेल्व इंटू हंड्रेड एट जीरो नाइन टू ना हो मल्टीप्लाई दीज टू फोर्टी एट इंटू फोर्टीन एट फोर जी टू थ्री कैरी सिक्सटीन एट ट्वेंटी फोर थ्री ट्वेंटी सेवन फोर टू सिक्स दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा टू जीरो प्लस वन फोर्टी नाइन आर हमने कैलकुलेट करना है बच्चे आर इज मिसिंग ना अपॉन टू इन टू देखो प्यार से स्टेप बाय स्टेप करते रहना है एट जीरो Nine, two, twelve ones are twelve, twelve fours are forty-eight, two twos are, एक जीरो जीरो से कट कर दो hmm, कट करने हैं, कट कर दो फाइव यहां पे सेवन सिक्स सेवन टू जीरो प्लस इसके नीचे कुछ नहीं है तो वन सेवन टू जार फोर्टीन फोर्टीन into फोर्टी नाइन सेवन तो टू और फोर्टी नाइन बच गए ना ऊपर सेवन टू जार फोर्टीन फोर्टीन को फोर्टी नाइन से नाइन फोर थर्टी सिक्स फोर टू सिक्स एट सिक्स आर अपॉन फाइव एट जीरो नाइन टू अब यहां पे एलसीएम फाइव आ गया फाइव जीरो जीरो देखो है नहीं मारना shortcut के चक्कर में गलती mistake होती समझे अब five उस साइड जाके मल्टीप्लाई होगा एक स्टेप इंक्रीज एक या दो स्टेप इंक्रीज हो जाएंगे और तो कुछ नहीं होगा फाइव टू झा टेन वन कैरी फोर्टी फाइव वन फोर्टी फाइव उस साइड जाके मल्टीप्लाई होगा ये आ जाएगा सिक्स हंड्रेड एक्स आर फोर्टी थाउजेंड फोर सिक्सटी माइनस ये बेटा इस साइड आके माइनस हो जाएगा माइनस थर्टी थ्री थाउजेंड सिक्स हंड्रेड फोर्टी थाउजेंड फोर सिक्सटी में से थर्टी थ्री थाउजेंड सिक्स हंड्रेड माइनस कर दो जीरो माइनस सिक्स एट या नाइन माइनस थ्री सिक्स मोस्टली वही वैल्यूज आती हैं जो कट जाती हैं इजीली सिक्स नीचे चला गया सीधा कट हो गया टेन पे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया टेन परसेंट पर एन एम अंडरस्ट मतलब कुछ नहीं है वही सेम चीजें हैं वही सेम फॉर्मूला है सेम उसमें वैल्यूज फिल करनी है सारी कैलकुलेशन है अब कैलकुलेशन तो अगर मिस्टेक करनी है तो कर ही देनी है तुमने टू इंटू थ्री फाइव लिखना है तो लिख ही देना है बनी? Three, है है ना सर मैं लिखना तो लिख ही देना है नहीं, सर। नहीं कह रहा हूं। कैसे स्लो बोल रही है मम्मी ने बोला है कि स्लो बोलना है नहीं सर और टेंशन में लग रही है

छोटी वैल्यू गिवन है फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट आर हमने कैलकुलेट करने है हो जाएगा यस 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 सर 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 साहिल साहिल जी रौनक रौनक भाई शुक्र है बोल पड़ा रौनक सेवन बच्चे सारे सम मतलब किसी में हमने इंटरेस्ट फाइंड करने हैं किसी में मेच्योरिटी वैल्यू किसी में प्रिंसिपल किसी में रेट अब यहां देखो अमित डिपॉजिट प्रिंसिपल गिवन गिवन है इन ए बैंक फॉर मंथ है डायरेक्टिंग uh, डिपॉजिट स्कीम विल इज़ सिंपल इसका कोई मीनिंग नहीं है ये आरडी अकाउंट है जैसे हमने पहले सम में फर्स्ट सम में मेच्योरिटी वैल्यू फाइंड की थी ना वैसे ये सी हो जाएगा ये सम बोलो यस सर यस सर यस सर साहिल तेरा यस yes नहीं आया यस सर हां सर आपने है साहिल टाइम वाला क्वेश्चन करवा दीजिए क्यों बड़ी बड़ी नंबर की मिडिल टर्म स्प्लिट करनी होती ना वो गलत हो जाती है और आती भी नहीं है फिर मैं क्या करूं? सर सिखा दीजिए मैं कौन होता हूं सिखाने वाला सीखना तुमने सम सम करवा देता बेटा भी तुम अपने आप कर लोगे बेटा मिसेस गीता डिपॉजिट रुपीज थ्री फिफ्टी पर मंथ इन ए बैंक फॉर वन ईयर थ्री मंथ यशवीर वन ईयर थ्री मंथ के कितने मंथ हो जाएंगे

विहान क्या तो, हो गया तेरे को नींद आ रही है विहान हाँ सर नींद आ रही है आंखें बंद हो रही हैं आंखें बंद हो रही है पक्का तेरी बस नहीं सर भूख तो नहीं लगी नो सर हैं? नहीं लग year, है? रही है वन ईयर थ्री मंथ वन ईयर में कितने मंथ होते हैं ट्वेल्व और थ्री ऐड कर दिए कितने हुए 15, 15. तो मैंने 15 ही बोला था हाँ सर बिल्कुल <laughs> हो जाता है कभी कभी कोई बात नहीं मेरे से भी हो जाती है गलती ऐसे नहीं है इंसान गलतियों का पुतला है है हाँ ना हाँ सर। जब बार बार गलती करते हैं फिर वो गलती नहीं रहती फिर वो जानबूझ के वाली हो जाती है नाइन्थ सा बेटा इसमें अभी टाइम फाइंड करना है ए रिकरिंग डिपोजिट अकाउंट ऑफ रुपी ट्वेल्व हंड्रेड पर मंथ प्रिंसिपल पता है हमें हैज़ मेच्योरिटी वैल्यू मेच्योरिटी वैल्यू हमें गिवन है रेट ऑफ इंटरेस्ट में पहले लिख रहा हूं एट परसेंट पर फाइंड टाइम इन हमने फाइंड करना है मेच्योरिटी वैल्यू हमें गिवन है रुपी ट्वेल्व थाउजेंड फोर हंड्रेड फोर्टी वही सेम मेच्योरिटी वैल्यू के प्लेस पे उसका फॉर्मूला p into n plus i i का मैं सीधा यहां पे फॉर्मूले लिख दूं बेटा अ प्रिंसिपल 1200 है n हमने कैलकुलेट करना है तो n को n रहने देंगे 1200 n हो जाएगा ना 1200 into n 1200 n प्रिंसिपल इसके नीचे कुछ नहीं है तो one डाल दिया करो

सर टू और एट भी कट हो जाएगा कर दिया फोर को बच्चे एन स्क्वायर से करेंगे फोर एन स्क्वायर फोर को एन से करेंगे फोर एन वन टू फोर फोर जीरो अब देखो इन तीनों में से फोर कॉमन लेके इससे कट हो रहा है ना तो इसमें से कॉमन लेना है पहले या तो इसको ऐसे लिख लो सो फोर एन और ट्वेल्व एन कॉमन टर्म है कॉमन नहीं है लाइक टर्म्स हैं ऐड होंगे हाँ जी बेटा इसको मैं इस आईडी ले आया फोर एन स्क्वायर प्लस वन टू जीरो प्लस थ्री हंड्रेड वन एन माइनस फोर थ्री ट्वेल्व वन वन स्क्वायर प्लस थ्री हंड्रेड वन एन माइनस थ्री वन जीरो अपॉन फोर जो फोर मल्टीप्लाई था सबके साथ वो सब नीचे चला गया तो ये रह गया बेटा आद्या तो वैसे हिंट दिया हुआ है अदरवाइज दूसरा मेथड बेटा इसका मल्टी मल्टीपल टर्म स्प्लिट का सर थर्टी वन सब मल्टीप्लाई करके थ्री थाउजेंड वन वन जीरो आना चाहिए ठीक है माइनस करके थ्री जीरो माइनस है यहाँ पे लास्ट साइन तो सब करके थ्री हंड्रेड वन आना चाहिए Sir, सब... ना, फा, एक सेकेंड एक सेकेंड रुक जा एक वैल्यू प्लस की एक वैल्यू माइनस की यही होगा ना आद्या हाँ सर इसको फैक्टराइज़ कर ले प्राइम फैक्ट्राइजेशन टू पे जा रहे हैं यस सर वन फाइव 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 पे जाएगा थ्री वन वन थ्री वन वन किसी पे नहीं जा रहा तो टेन एंड थ्री थ्री हंड्रेड इलेवन में से टेन माइनस करते हैं तो थ्री हंड्रेड वन आता है ना बेटा हाँ सर बस अब यहाँ पे क्या साइन था प्लस तो बिगर टर्म दोनों में से ये वाली प्लस की होगी और ये माइनस की होगी हाँ सर क्या दिक्कत थी सर बस फैक्टर्स भी निकलते हैं उसी में दिक्कत लगती है वो तो, तो प्रैक्टिस है बेटा आज जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी हो बेटा

सर अब क्लियर हो गया है पैसे बचा रही थी घर वालों के है ना <laughs> ना है बचा लो पैसे ऑनलाइन एग्जाम होगा ना मार्क्स तो आई जाने है ना नहीं सर ऐसी बात नहीं है <laughs> सारी जी भी सोची बैठे थे <laughs> चलो रिजेक्ट ये केस क्या हो गया बेटा रिजेक्ट हो गया एन की वैल्यू कितनी आ गई टेन आ गई एन टेन आ गया बच्चे तो नंबर ऑफ मंथ्स टेन मंथ्स देयरफॉर लास्ट में प्रेजेंटेशन नंबर ऑफ मंथ्स इज इक्वल टू टेन मंथ्स इज द आंसर समझ आ गया बच्चे ये पद्मिनी यस yes, सर हाय जल्दी तो नहीं है ना आज किसी को जाना तो नहीं कहीं किसी ने नहीं सर चलो ये चैप्टर कंप्लीट ही करेंगे पहले

यस yes, सर साहिल यस सर राघव जी हो जाएगा सर हो जाएगा अंकित जैन जी यस yes, सर विहान जी हो जाएगा सर यशवीर हो जाएगा सर हो जाएगा, जाएगा. तू तो हिसार से है ना यस सर ठीक

मैं छोटी वैल्यू की मैंने फाइंड द टोटल इंटरेस्ट अर्न बाय इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता है प्रिंसिपल पता है रेट पता है टाइम पता है आई थिंक मुझे नहीं लगता इसकी इसमें कोई प्रॉब्लम है हम्म hmm? सर हो जाएगा कैसे हो जाए किसने बोला है हो जाएगा कौन बोला था अभी आध्या चलो आध्या बता करवा मुझे okay, कैसे करेंगे सर पी एक मिनट एक मिनट रुक जा जस्ट वेट हमें जो कुछ गिवन है पहले वो लिखवा हाँ सर पी equals to twenty five hundred। हम्म। सर n is equals to twenty four months। two years है ठीक है सर 24 months. कि हम मंथस करें हमें तो एटलीस्ट पता चले कि क्या किया है। yes, sir. Sir, MV is equals to 67, अब पहले क्या पूछा उन्होंने टोटल इंटरेस्ट ऑन सो सर एमवी का फॉर्मूला लगाएंगे इंटरेस्ट का सीधा लगा दे ठीक है सर पर सर उस, उसके लिए हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है ना नहीं हाँ नहीं सर नहीं ठीक है, ठीक है, ठीक है देखो बेटा मेच्योरिटी वैल्यू का जो फॉर्मूला है ये है ना सिक्स जैसे ये बोल रही थी कि इसके नीचे उसका फॉर्मूला लगा दो P into N plus I, यही था ना हाँ सर इंटरेस्ट फाइंड करना है तो ये चीज सीधी उस साइड जाके माइनस मैंने ये सीधा लिख दिया बेटा आपने डायरेक्ट कर दिया मैं अगले स्टेप में करती दी हाँ पता है मुझे जानबूझ <laughs> मुझ के किया था कंफ्यूज करने के लिए तेरे को और तू हो गई समझ आ गया बच्चे ये इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया क्योंकि तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट तो दिया नहीं था हम फॉर्मूला तो लगा नहीं सकते थे दूसरा इंटरेस्ट वाला तो तो यहां से बच्चे मेच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला जो है P इन टू एन प्लस आई आई फाइंड करना है तो ये उस साइड जाके क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी तो बच्चा मेच्योरिटी वैल्यू माइनस पी तो इंटरेस्ट आ जाएगा हमारे पास जीरो जीरो ट्वेंटी फाइव फोर जो हंड्रेड टेन

हमने कैलकुलेट करने कर लोगे अपने आप yes, sure? हो जाएगा ना यस सर। ओके। नाउ द सेकंड एक्सरसाइज ये सारी एक्सरसाइज सेम है मैं सारे समय एक बार मतलब रीड कर देता हूं जिसमें कुछ लगा वो करेंगे अदरवाइज तुम्हें खुद करने पड़ेंगे ठीक है कोई किसी की यस नहीं आ deposit, month, 12, आ रही पर पर मंथ अकाउंट फॉर प्रिंसिपल है जाएगा टाइम मेच्योरिटी वैल्यू सिंपल फॉर्मूला पहले इंटरेस्ट निकाल लेंगे उसके बाद मेच्योरिटी वैल्यू हाँ, <laughs>

हो जाएगा यस सर फोर्थ सम मिस्टर बजाज yes. Bajaj, yeah. please, रुपी जी sir, of, uh, हाँ जी बेटा सर फोर्थ सम में इन मल्टीपल ऑफ रुपीज ये कर रही मतलब ये कर ये करवा देता हूँ कोई बात नहीं इसमें मतलब जो भी आंसर आएगा ना उसका जो फाइव का नेक्स्ट मल्टीपल होगा वो लिखिए मिस्टर बजाज नीड रुपी थर्टी थाउजेंड मिस्टर बजाज को थर्टी थाउजेंड चाहिए आफ्टर टू इयर्स दो साल बाद

मेचोरिटी वैल्यू में बाद में लिख देता हूं एन की वैल्यू टू इन टू इंटू ट्वेल्व ट्वेंटी फोर कितना एट परसेंट पर एन एम मेच्योरिटी वैल्यू रुपी थर्टी थाउजेंड प्रिंसिपल को जो मंथली इंस्टॉलमेंट है उसको रुपी X लेट कर लेते हैं बेटा। मेच्योरिटी वैल्यू की जगह मेच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला P into n plus I, I का फॉर्मूला भी लिख देते हैं P into n into n plus one into R अपॉन अपॉन सिर्फ यहां तक सारे के नीचे मत ले जाना। ज़्यादा बेटर है इसके नीचे one लगा लिए करो तो कोई मिस्टेक ही नहीं होगी। प्रिंसिपल X है बेटा n twenty four है। एक्स इंटू ट्वेंटी फोर में सीधा ट्वेंटी फोर एक्स लिख दू प्लस इंटू टी एट अपॉन टू इंटू ट्वेल्व इंटू हंड्रेड थर्टी थाउजेंड एक सेकेंड बेटा पेन मेरा खत्म हो गया पेन खत्म हो गया ट्वेल्व टू हाँ तू जार ट्वेंटी फोर बेटा ट्वेंटी फाइव फोर जार फोर टू तू जार टू कैंसर ट्वेंटी फोर एक्स प्लस टू एक्स बच गया बच्चे थर्टी थाउजेंड ट्वेंटी फोर एक्स प्लस टू तू एक्स ट्वेंटी सिक्स एक्स इज थर्टी थाउजेंड एक्स की वैल्यू क्या आ गई थर्टी थाउजेंड अपॉन ट्वेंटी पेउजेंड अपॉन थर्टीन इसको रफ वर्क में बेटा में थर्टीन वन जर्टीन सेवनटीन एक जीरो आ गई फिर दूसरी जीरो हाँ सेवनटीन थर्टीन फाइव हजार थर्टीन नाइन वन हंड्रेड टेन लग जाएगा थर्टीन सेवन हजार थर्टीन एट हजार वन हंड्रेड फोर जो मर्जी आता रहे अप्रोक्सीमेट कितना आ गया वन वन फाइव थ्री पॉइंट एट ये आ गया बट उन्होंने मल्टीपल ऑफ फाइव बोला है तो मंथली इंस्टॉलमेंट क्या लेंगे हम देखो तो वन वन फाइव थ्री कम तो कर नहीं सकते कम करेंगे तो उसका इंटरेस्ट कम हो जाएगा थर्टी थाउजेंड उसको पूरा नहीं मिलेगा हाँ थोड़ा वो ज्यादा मिल जाएगा कोई दिक्कत नहीं है एक दो रुपए तो यहाँ पे वन वन नेक्स्ट मल्टीपल कौन सा है फाइव फाइव होगा ना बच्चे yes, ये वन वन फाइव फाइव क्यों लिखा है पता चल गया सबको yes, ओके yes, okay.

He get rupee as उज <coughs> hmm. This is not the maturity value. Now this is given. Interest is given. Find the monthly फाइन Principal find करना है उसके amount of maturity find करनी है निकल जाएगा yes, sir. Yes, sir. अभी इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगेगा अकेला मेच्योरिटी वैल्यू का नहीं लगेगा पहले क्योंकि हमें इंटरेस्ट गिवन है ये ठीक है गोपाल हैज ए कम्युलेटिव डिपॉजिट अकाउंट रियकरिंग डिपॉजिट अकाउंट या कम्युलेटिव डिपॉजिट अकाउंट एक ही बात है समझे कम्युलेटिव डिपॉजिट अकाउंट या रियकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इज द सेम थिंग एंड डिपॉजिट रुपी नाइन हंड्रेड पर मंथ प्रिंसिपल फॉर ए पीरियड ऑफ फोर ईयर एन की वैल्यू फोर इयर फोर इन टू ट्वेल्व फोर्टी एट मंथ गेट रुपी दिस एट दाइमी वैल्यू गिवन है

साहिल बोला करो बच्चे देखो हमारा आंसर आया बेटा वन वन फाइव थ्री पॉइंट फाइव एट उन्होंने बोला है मल्टीपल ऑफ़ फाइव अ फाइव के मल्टीपल कौन से होते हैं जो फाइव के टेबल में आते हैं है ना यही होते हैं ना साहिल यस yes, सर तो यहाँ पे वन वन फाइव थ्री है बेटा ये फाइव का मल्टीपल तो है नहीं है ना yes, तो फाइव का मल्टीपल कौन सा होगा नेक्स्ट अगर यहाँ पे यूनिट डिजिट पे फाइव आएगा तभी होगा ना यूनिट इज एट तो इसलिए बच्चे उसको थोड़ा इंक्रीज कर दिया ये वाला हो गया राउंड ऑफ नहीं करना किया बेटा इंक्रीज किया देखो राउंड ऑफ पे तो फोर आना था एट था यहाँ पे तो फोर आना था मल्टीपल ऑफ फाइव बोला था ना बच्चे अब मान लो आ, थर्टीन है।, है थर्टीन थर्टीन है थर्टीन से नेक्स्ट फाइव का मल्टीपल कौन सा है थर्टीन नंबर है कोई इससे नेक्स्ट मल्टीपल कौन सा है फाइव का 15. तो फाइब, फाइब कर दिया ना थ्री को वैसे इस थ्री को बच्चे फाइव किया है सम्झे? सम्झे? साहिल एक चीज बच्चे हमेशा याद रखना अगर तुम समझना चाहते हो तो टीचर तुम्हें समझाएगा अगर तुम समझना नहीं चाहते तो चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर ले टीचर तू समझ नहीं पाओगे मतलब जब तक तुम्हारे अंदर से नहीं होगा कि हमने ने समझना है मैंने करना है तब तक नहीं कर पाओगे बेटा ठीक है साहिल यस yes, सर ये मत सोचो कि तुम वीक हो मैथ नहीं वीक कोई नहीं होता सारे बराबर होते हैं बस प्रैक्टिस जो ज्यादा प्रैक्टिस कर लेता है उसको ज़्यादा आना शुरू हो जाता है और बाकी मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जितना इससे डरोगे ये डराएगा और जितना इसके आगे डटके खड़े हो जाओगे ना यहाँ हम करेंगे सॉल्व वो इतना वैसे तुम्हें आता जाएगा, इजी होता जाएगा तुम्हारे लिए ठीक है है साहिल? आ, सर। मतलब है, कुछ नहीं है बहुत इजी है मैथ सिर्फ ये टाइम चाहता है कि मेरे को टाइम दो अगर हम इसको सॉल्व ही नहीं करेंगे देख के हर किसी को लगता है कि अभी हमने सेकंड चैप्टर किया है सबको ये लग रहा होगा इस चैप्टर में तो कुछ है ही नहीं, नहीं है ना इस चैप्टर में कुछ आ, सर. वो फॉर्मुलाज ही है बदमनी बेफालतू में टेंशन लेके बैठी थी हाय मेरा एक चैप्टर रह गया आनी राम नहीं मुझे। सर नहीं सर चले झूठी यूट्यूब भी बोलती है तू तो। थोड़ा सा टेंशन तो था मेरा वो चैप्टर फ्रेंडिंग है ना कोई बात मैं करवाऊंगा जब बोला था थोड़ा सा मैं बिजी था बच्चे मेरे ना प्रीपरेंट सीजन चल रहा है। ठीक है उसके बाद बिल्कुल फ्री हो जाऊंग्री थ्री टाइम भी क्लासेस लगाएंगे हम। ओके सर। नेक्स्ट सम बेटा। अकाउंट इन ए बैंक एंड डिपोजिट रूपी एटीन हंड्रेड पर मंथ प्रिंसिपल। इफ यू गेट रूपी दिस एट दी दिस इंटरेस्ट फाइन करना है हो जाएगा yes, देखो ये चारों सम बोर्ड में आए हुए हैं 2013 में आया 14 में 15 में और 16 इन में इनमें वैसे कुछ भी नहीं है वही सेम क्वेश्चनिंग डिपॉजिट अकाउंट इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन है मिस्टर ब्रिटो गेट रुपीज दिस फ्रॉम द बैंक थ्री ईयर वैल्यू वैल्यू ऑफ हिस्स मंथली इंस्टॉलमेंट प्रिंसिपल फाइंड करने हो जाएगा यशवीर yes, समझ तो आ रहा है बच्चे विहान yes, रौनक, sir. रौनक रौनक हाँ शाहरुख ओपनर ये इन ए बैंक एंड डिपोजिट रूपी एट हंड्रेड प्रिंसिपल फॉर वन एंड हाफ इनको मंथली चेंज कर लेंगे

पता 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 है, yes, R पता है, सीधा वैल्यू 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 निकालनी इंटरेस्ट इंटरेस्ट निकालना है, फिर का हम पहले पार्ट में निकाल चुके हैं, P into N को मल्टीप्लाई करके उसमें IR कर देंगे। मोहन हैज अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन ए बैंक फॉर टू ईर्स टाइम पता है एन पता है 2 into 12, 24 month हो जाएगा। Rate, 6%, का कोई मीनिंग नहीं है वैसे कंफ्यूज करने के लिए लिखा है इफ यू गेट रुपीज ट्वेल्व हंड्रेड एज इंटरेस्ट नॉट द मेच्योरिटी वैल्यू दिस इज गिवन इंटरेस्ट इज गिवन फाइंड द मंथली इंस्टॉलमेंट पी फाइंड करना है और अमाउंट ऑफ मेच्योरिटी फाइंड करनी है हो जाएगा ये चैप्टर वन आवर नहीं लगा देखो चैप्टर yes, को कंप्लीट करने में वन आवर कंप्लीट नहीं हुआ अभी चलो आज बच्चे मोस्ट प्रोबेबली थ्री ओ क्लॉक क्लास लगाएंगे ठीक है मैं मैसेज डाल देता हूँ okay, जो हम कर रहे हैं चैप्टर कौन सा कर रहे थे Fifth, आ, sixth वाला सर हाँ. लो जिनका सिलेबस पेंडिंग है वो मैं करवा दूंगा बच्चे सर आज पिछला टेस्ट चेक करने में टाइम लग जाता है बेटा क्योंकि मोबाइल पे ही चेक करना पड़ता है तो एक बहुत टाइम लगता है उसको पूरा दिन लग जाता है अगर मैं पूरा बारह घंटे बैठूंगा ना तो तुम्हारे साथ सबके टेस्ट चेक होंगे और इतना टाइम नहीं निकाल पा रहा मैं हाँ सर ठीक है ओके सर नो प्रॉब्लम चलो ठीक है बच्चे थ्री क्लॉक क्लास लगाएंगे देखते हैं आज ओके okay, सर थ्री क्लॉक या टू क्लॉक में मैसेज डाल दूंगा ठीक है अपना टाइम चलो ओके बाय बाय सर